हेलो डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। उम्मीद है कि आपने जो चीज़ यहां से हासिल की होगी वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगी, ताकि आप लोगों को भी उसके बारे में आसानी से पता लग जाए। उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को प्रेस किया होगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं वो आसानी से आप लोगों तक पहुंच जाए। तो जैसा कि आज जिस टॉपिक पे या जिस मौजू पे या जिस वीडियो के लिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को भी उसके बारे में मालूमात हासिल हो सके, तो आज मैं आपको टास्क मैनेजर के बारे में बताता हूं कि व्हाट इज़ टास्क मैनेजर एंड पीसी। टास्क मैनेजर क्या है पीसी के अंदर, तो वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं कि किस तरह हम उसको ओपन करते हैं और कौन सी चीज़ें हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होती हैं। तो उसके लिए आपने ये चीज़ें आपने गौर से देखनी। अब मैं अब टास्क बार में राइट क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा तो टास्क मैनेजर को मैं ओपन करूँगा। जो आज मेरा आपके सामने टॉपिक था वो है टास्क मैनेजर, टास्क इंफॉर्मेशन टू टास्क मैनेजर। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच किया होगा और समझा होगा और आपने वीडियो को स्कैप करने का इरादा नहीं किया होगा। तो अब मैं वीडियो की तरफ चलता हूं ताकि आपको भी ये वीडियो आसानी से समझ आ जाए। तो उसके लिए आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अब मैं आपको यहां दिखाता हूं और ये जहां मेरा माउस का जो ऑप्शन है बैकग्राउंड तो प्रोग्रेस, जो हमारी बैकग्राउंड जो एप्लीकेशन चल रही है वो है 56 हमारी एप्लीकेशन यहां चल रही हैं। उसके बाद ये सारा कुछ, ये इसका प्रोसेस आपके सामने नज़र आ रहा है। अब मैं परफॉर्मेंस पे जाता हूं। जैसे परफॉर्मेंस में जाता हूं तो ये सीपीयू का परफॉर्मेंस आपके सामने है, तो ये इतनी स्पीड से हमारे पास वर्क कर रहा है और ये इनेबल है। उसके बाद मेमोरी आपके सामने, ये इसकी मेमोरी है, मेमोरी अवेलेबल जो है वो 4 GB इसकी मेमोरी अवेलेबल है और जो यूज़ हो चुकी है वो 3 GB हो चुकी है टास्क मैनेजर में। उसके बाद ये डेस्क है, ये डेस्क का 0 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। ये जो हमारे 6 GB हमारी इसकी कैपेसिटी है और ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक। उसके बाद अब आते हैं GPU, ये है हमारा GPU। GPU में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? GPU में आ जाती हैं 3D कॉपी, वीडियो डिकोड, वीडियो प्रोसेसिंग और ये सारा कुछ हमारा GPU में आ जाता है। तो अब आपको ऐप हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि ऐप हिस्ट्री में कौन सी चीज़ें हमारे लिए होती हैं और कौन सी चीज़ें हमारे लिए होती है, ताकि आप लोगों को भी ऐप हिस्ट्री के बारे में मालूम हासिल हो सके और ताकि आप भी उन चीज़ें से आप हासिल कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी और आपको इस चीज़ों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, ताकि आप लोगों को भी ये पता लगे कौन सी चीज़ें हमारे लिए फायदेमंद है। ताकि उम्मीद है कि आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी होगी और समझी होगी, ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में मालूमात हासिल हो जाए। तो उम्मीद है कि आपने जो चीज़ें समझ नहीं आएगी वो मुझसे आप आसानी से पूछ सकते हो। तो ये ऐप हिस्ट्री थी। उसके बाद हम आते हैं डिटेल्स में। जैसे डिटेल्स में आता हूँ तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये इंटरफेस आपको आसानी से समझ आ रहा होगा। और इसमें सर्विस में जो अभी मैं यूज़र इस्तेमाल करता हूँ, जैसे ही मैं यूज़र इस्तेमाल करूँगा तो ये चीज़ें हमारे लिए अहम हासिल हो जाएंगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है और ये हमारे फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। तो उम्मीद है कि आपको ये मुकम्मल वीडियो समझ आ चुकी होगी और उसके बारे में आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया होगा, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, ताकि आपको इस टास्क मैनेजर के बारे में मालूमात हासिल हो चुकी होगी। अगर नहीं तो आप मुझे पर्सनली SMS करके आप मुझसे ये सारा कुछ एडमिन जो रनिंग में है वो आपके सामने है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको मुकम्मल टास्क मैनेजर के बारे में मालूमात हासिल हो चुकी होगी। तो
उसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो खुदा हाफिज़, दुआओं में याद।